पर मुझे ऐसा लगता है बाबा मौर्य के शब्दों में, हमारे प्रयास ये क्यों जारी हैं? इसलिए जारी हैं क्योंकि संस्कार के लिए आज शिक्षा में है स्थान नहीं। हम साक्षर तो हैं लेकिन शिक्षित हैं ये कहना बहुत मुश्किल है। हम पढ़े लिखे तो हैं लेकिन मनुष्यता को धारण करते हैं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि आज की शिक्षा पद्धति, ये महकाले की शिक्षा पद्धति हमें संस्कार नहीं दे सकती, साक्षरता तो दे सकती है। संस्कार के लिए आज शिक्षा में है स्थान नहीं, और पुरखों का नवपीढ़ी को मिल पाया कोई ज्ञान नहीं। अपना धर्म सिखाओ, मुस्लिम क्रिश्चियन को आजादी है, हिंदू धर्म सिखाना ये अपराध पुरातनवादी है, और पाप भरी शिक्षा पाकर अपने आप में खोया है, और संस्कार के फूल तोड़कर भोग का कैक्टस बोया है। वे सब अपमानित हैं जिनको हिंदू ने माता माना है, वे सब अपमानित हैं जिनको हिंदू ने माता बोला है, और गौ माता कटती है लेकिन हमने अपना मुंह ना खोला है। हम शिक्षित वर्ग के लोग हैं फिर भी याद रखो कि हमारे ऊपर कितना कुठाराघात है कि वे सब अपमानित हैं जिनको हिंदू ने माता बोला है और गौ माता कटती है लेकिन अपना मुंह ना खोला है। और आज प्रदूषित मैली होकर रोती माता गंगा है, सरस्वती सीता को एक शैतान बनाता नंगा है, और भारत माँ को डायन कहकर यहाँ पुकारा जाता है, तुलसी को पाखंड बताकर यहाँ धिक्कारा जाता है, और जो भी शिक्षित हुए उसी ने माँ का आंचल खींचा है, और पढ़े लिखों ने ही तो अपनी भारत माँ को बेचा है। जो भी शिक्षित हुए, ये जेएनयू में नारे लगाने वाले ये अशिक्षित हैं या शिक्षित, क्या कहोगे आप इनको? जो भी शिक्षित हुए उन्होंने माँ का आंचल खींचा है, और पढ़े लिखों ने ही तो अपनी भारत माँ को बेचा है। सेक्युलर शिक्षा ने हमको संस्कृति से दूर किया, और माँ बाप को छत से गिरकर मरने पर मजबूर किया। सरस्वती माँ दानव, माँ प्रसाद दानव दुष्टों का भोग बना। शिक्षा थी औषधि, आजकल ना इलाज ये रोग बना। प्रगतिशीलता की अंधी आंधी में जो है उजड़ गए, भूले विसरे उन गुरुकुल की याद दिलाने आई हूँ, और जागो 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 तुम्हें जगाने आई हूँ। इस अंधी आंधी में जो हमारी गुरुकुल परंपरा थी, जो सनातन परंपरा थी, जिसमें भगवान राम और कृष्ण का निर्माण हुआ करता था, ऐसी परंपरा को आज हम भूल गए, और महकाले की शिक्षा पद्धति आज हमारे बीच में है जो हमें केवल साक्षर बनाती है, शिक्षित नहीं। और वो गुरुकुल जहां से चाणक्य निकलते हैं, जहां से चंद्रगुप्त मौर्य निकलते हैं, जहां से भारत की परंपरा निकलती है, जहां से ओज तप और त्याग निकलता है, जहां से मानवता और मनुष्यता निकलती है, जहां से संघर्ष करने के लिए अपने हृदय में वो ज्वाला निकलती है, ऐसे गुरुकुल आज कहीं चंद चंद दिखाई देते हैं, और वो भी ऐसा लगता है कि उनके खंड खंड कर कर खंडहर कर दिया, ऐसा लगता है कि अस्तित्व ही समाप्त कर लिया गुरुकुल परंपरा का हमने। आज पुनः हमको उस पद्धति को सीखना होगा जहां भगवान राम ने गुरुकुल की शिक्षा पद्धति को अपनाया, जहां भगवान राम खड़े हुए और खड़े होकर समस्त आताताइयों का विनाश किया, जहां भगवान कृष्ण खड़े हुए और समाज को एक सूत्र में बांधने के लिए पूरा जीवन लगा दिया। ऐसी शिक्षा हमें चाहिए।